Hey guys, welcome back. And today we are going to read about so-called an accidental Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. Let's start. मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री हैं। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सिंह के साथ यह गौरव भी जुड़ा है कि वे जवाहरलाल नेहरू के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार दो बार पद पर रहने का सम्मान पाया है। साथ ही वे देश के पहले सिख हैं जो कि प्रधानमंत्री बने हैं। मनमोहन सिंह का जन्म पाकिस्तान पंजाब के गाँव में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 1947 के विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत आ गया था। ऑक्सफोर्ड में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट हासिल करने के बाद उन्होंने 2-3 वर्ष संयुक्त राष्ट्र में काम किया। बाद में वे तत्कालीन केंद्र मंत्री ललित नारायण मिश्रा के संपर्क में आए और उनके सलाहकार बन गए। 70 और 80 के दशक में सिंह भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इस अवधि में वे मुख्य आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1991 में भारी आर्थिक संकट के दौरान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले सिंह को देश का वित्त मंत्री बना दिया। कुछ एक वर्ष तक उनका विरोध हुआ, लेकिन सिंह ने कई तरह से संस्थागत सुधार कर देश की अर्थव्यवस्था को उदारीकृत बनाया। उनके उपायों से देश के सामने संकट खत्म हो गया और श्री सिंह की सुधारवादी वित्त मंत्री के तौर पर ख्याति चारों ओर फैल गई। 1996 के चुनाव में कांग्रेस हार गई और अटल बिहारी सरकार के शासन के दौरान वे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 2004 में जब कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो सोनिया गांधी ने आश्चर्यजनक तरीके से उन्हें प्रधानमंत्री मनोनीत कर दिया। सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए प्रथम सरकार ने बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। इस अवधि में अर्थव्यवस्था ठीक हुई, लेकिन मुंबई हमलों समेत कई आतंकवादी हमले हुए और माओवादियों की हिंसा बढ़ी। 2009 में हुए चुनाव में फिर से कांग्रेस सत्ता में आई और सिंह प्रधानमंत्री बने रहे। मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित पंजाब के गांव में सरदार गुरमुख सिंह और अमृत कौर के घर हुआ था। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था। बाद में उनके दादा दादी ने उनका पालन पोषण किया और वे उनके करीब रहे। विभाजन के बाद उनका परिवार अमृतसर आ गया, जहां के हिंदू कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां ली। जय हिंद।